Hello friends, welcome to my channel Sanya Learning Tutorial. Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ lesson plan जो कि biological science है. Topic है जिसका nitrogen cycle. Book से NCERT book से 9th class की. तो ये नाइट्रोजन साइंस का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे आपको पढ़ाते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा और ये ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आएगा और ये बहुत इजीली समझने में आ जाता है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एंट्रीज करनी होती है ऐसे जैसे कि यहाँ पर एंट्रीज हुई है, आप भी ऐसे ही एंट्रीज कर लें. ड्यूरेशन 30 मिनट्स की होती है तो आप यहाँ पे 30 मिनट लिख देंगे. ओके, सो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव. ओके, जनरल ऑब्जेक्टिव सिंपली मीनिंग ये होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसको पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस होंगे. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें आपको समझना होता है और कॉपी में लिखना होता है और अपने लेसन प्लान में ऐड करना होता है. तो आप इस तरह से ऐड कर लें, रीड कर लें, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो ये होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स. अगर आपको कोई डाउट हो कि जनरल ऑब्जेक्टिव को आपको डिटेल्स में समझना है तो मैं अपने नेक्स्ट प्लान में इसको और भी अच्छे से स्पेसिफाई कर दूंगी आपके लिए. ठीक है, ओके, तो आप इन्हें रीड आउट कर लें और रीड आउट करके अपनी कॉपी में नोट कर लें. तो यहाँ पर आता है उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्या टॉपिक है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, वो टॉपिक पढ़ने के बाद वो क्या नॉलेज गेन करते हैं, क्या जान पाते हैं. तो वो मतलब कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इन्हें भी आप रीड कर लें. ठीक है, तो 4 से 5 सफिशिएंट है. अगर आप इन्हें रीड करेंगे और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपने नेक्स्ट टाइम में इसको भी और अच्छे से स्पेसिफाई कर दूंगी आपके लिए. तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको साइंस के और भी ज़्यादा लेसन प्लान देखते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. वहाँ पर और भी साइंस के लेसन प्लान अपलोडेड हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंस से हैं, फिजिकल साइंस से हैं, वो अपलोडेड हैं, आप जाएँ और उन्हें देखें. ठीक है, तो अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है या टीचर है तो वो मैथ के भी लेसन प्लान देख सकते हैं, वो भी अपलोडेड है. और अगर किसी को स्किल्स चाहिए तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वो स्किल्स को भी देख सकते हैं. ठीक है, तो अब हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट को चेक करें. ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आता है जिम एड. प्रीवियस नॉलेज भी आप ऐसे डाल देंगे. ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टीचिंग एड सिर्फ 4 पेपर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं जैसे बोर्ड हो गया है. ठीक है, मार्कर हो गया है, तो आप ये भी टीचिंग एड में ऐड कर सकते हैं. अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात ये भी कह दूँ. ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको इजीली मिल जाए, आपको उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे टाइम से. ओके, सो इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉमर्स का टीचर है और अगर आपको कॉमर्स का लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कॉमर्स के भी लेसन प्लान अपने चैनल में अपलोड कर दूँगी आपके लिए. ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं.
उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब आपको पता है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि आप स्किल्स बनाते हैं सेल्फ इंडक्शन की स्किल, तो वैसे ही बनता है सेम टू सेम, बस आप यहाँ पे लिख देते हैं आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आप चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू, और ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो कि लिंकअप हो डेली लाइफ से। तो ये होती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की स्किल। मैं आपको बता दूँ, अगर किसी को और भी स्किल्स देखनी है तो वो हमारे चैनल पर जाए और वो वहाँ पर सारी स्किल्स अपलोड हो। तो जब आप ये स्किल बनाएंगे तो कॉलम आपको कुछ ऐसे बना रहे हैं, सीरियल नंबर के, पीपल टीचर एक्टिविटी के, स्टूडेंट रिस्पॉन्स के, ओके, ये कॉलम बना लेंगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप कुछ ऐसा बना लेंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर, तो ये थर्ड क्वेश्चन और उसका आंसर दे रहा। तो आप इन क्वेश्चन को रीड कर ले, रीड करने के बाद अपने खाते में नोट कर ले, अच्छे से रीड करेंगे कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन सफिशियंट है, ठीक है। तो जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ आप स्टेटमेंट अपना अनाउंस करते हैं, टॉपिक को अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं सबको रीड कर ले, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लमेटिक के बाद यहाँ पर आपने स्टेटमेंट ऑफ एम की हेडिंग लिख दी। अगर आप यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं तो जब आप पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर आप बोलकर अनाउंस करेंगे टॉपिक को अपने, सिंपल है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सबसे फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करने वाले हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और उतना ही आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो चलिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन है सप्लीमेंट्री, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे कॉलम बनेंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेवलपिंग क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है, 1 से 2 डेवलपिंग क्वेश्चन। अब एक डेवलपिंग क्वेश्चन का तो आंसर आप लिख देंगे, और जो सेकेंड है जो लास्ट वाला है पर नो रिस्पॉन्स हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आप बनाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड किया गया है, अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टॉपिक लिख के पॉइंट लिख कर डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, क्लियर, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट वर्ड प्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे लिखा है, आपको इसे प्लीज रीड कर लो। जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको कैसे देना है और ये टॉपिक पॉइंट समझना कैसे है और समझाना कैसे है। तो आप इन्हें रीड कर ले अच्छे से, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर ले अच्छे से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस लेसन का हमको वीडियो को, ठीक है, सो फॉरवर्ड करके, ठीक है, और स्टॉप कर करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बैक करें, फॉरवर्ड करें, स्टॉप करें, आप ऐसे भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो नोट डाउन करें यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट का,
यहाँ पे बता रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, पहले इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्या है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से रीड कर लें, ये कुछ टॉपिक करके कोई पॉइंट आपसे छूटे ना और आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एक टीचिंग पॉइंट के बाद एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन को आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो ना करें। ओके, सो ये आपके ऊपर है। अच्छा, तो सेकंड टीचिंग पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। सेकेंड टीचिंग पॉइंट से पहले इसका आंसर है, ये विंडो रिस्पॉन्स है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट को भी आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अच्छा, ये रहा सेकंड टीचिंग पॉइंट। यहाँ पर आप बता रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप के बारे में। अच्छा, वीडियो को एकदम एंड तक आप देखें, क्योंकि कैसे आपको इस लेसन प्लान में टीचिंग एड को यूज करना है, क्या यूज करना है, तो मैं वीडियो के एंड में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी, दिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक आप ये लेसन प्लान को जरूर देखें, इससे आपको ये लेसन प्लान और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्किप मत, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, तो नाइट्रोजन साइकिल्स के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसका ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर जो आप टीचिंग एड यूज करेंगे वो है टीचिंग चार्ट। टीचिंग चार्ट चाहे आप हैंडमेड भी बना सकते हैं या फिर गूगल से पिक्स निकाल के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से निकाल के अगर आप कोई भी इमेज यूज कर रहे हैं, चार्ट यूज कर रहे हैं, तो जब आप टीचिंग पॉइंट को या स्टेप्स को पढ़ा रहे हैं तो सामने अपने साथ में ठीक है चार्ट को रखें। चार्ट को दिखाकर आप अपने ये स्टेप्स को समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो एंड में बताती हूँ आपको, तो प्लीज एंड तक देखें वीडियो को। तो ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट को नोट कर लें। तो ये सेकंड टीचिंग पॉइंट हो गया। ओके, ये भी आप नोट कर लें अच्छे से। ये थर्ड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। ओके, नाइट्रिफिकेशन ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप आपका ये सिमुलेशन है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। ये आपका लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रोजन साइकिल का लास्ट स्टेप होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लें अच्छे से समझ लें। अच्छा, और यहाँ पर एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन भी ऐड किया गया है, आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट। ओके, प्रेजेंटेशन का पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। आप वीडियो को फॉरवर्ड करके बैक करके समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ताकि आपसे कोई पॉइंट ना छूटे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बहुत अच्छा ये लेसन प्लान है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो भी क्या कुछ लिखे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे तीन बनाए गए हैं, ऑफिशियल के तीन क्वेश्चन।
ब्लैकबोर्ड वर्क आता है इसके बाद। ब्लैकबोर्ड वर्क में आप यहाँ पर ब्लैक चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन चार्ट यूज कर सकते हैं, तो और भी अच्छा लगेगा। सेम जैसे बोर्ड बनाना है जैसे कि आप क्लासरूम में यूज करते हैं, पढ़ाते हैं, सेम जैसे ब्लैकबोर्ड वर्क करना है। बहुत इजी है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर आपके आ जाता है होमवर्क। होमवर्क यहाँ पर लास्ट में आ जाता है, तो आप ऐसे लास्ट में होमवर्क दे देंगे, ये भी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको टीचिंग एड दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोल दूँ, जिन लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। ये रहा आपका टीचिंग एड, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का ये चार्ट है, ठीक है। तो आप चार्ट सामने रखेंगे और फिर वहां पे आप स्टेप टू स्टेप light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost.